हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरडी सिंह और अभी हम सीख रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइंस। तो अगर अब तक आपने जो है फॉरेक्स ब्रोकर पे अकाउंट नहीं बनाया है तो ये डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ ब्रोकर्स के लिंक दिख जाएंगे। ये सारे के सारे ब्रोकर जो हैं काफ़ी अच्छे ब्रोकर्स हैं, इन पर जो है आप साइन अप कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनली सीखना चाहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग तो आप जो है इस नंबर पर मुझसे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रेंड लाइंस वर्क किस तरीके से करते हैं और ट्रेंड लाइंस में जो है हमें क्या देखना होता है। ट्रेंड लाइंस में आप एक बात ध्यान रखिए, ट्रेंड लाइंस में हमें सिर्फ दो बातें जो है ध्यान में रखनी होती है। एक होता है पॉइंट वन और पॉइंट टू। पॉइंट वन क्या है और पॉइंट टू क्या है? पॉइंट वन पहली वीक और पॉइंट टू दूसरी वीक। जहां पर जो है आपको दो वीक्स दिख जाएं वहां पर जो है आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि अब ये दिखाता हूं, एक वीक और ये दूसरी वीक, ये एक दो, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, उसके बाद चार्ट नीचे। ये खाली आपको दो बातों का सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है, इसके अलावा और कोई बात आपको जो है ध्यान में नहीं रखनी है। आप सिर्फ दो बातों को ध्यान में रखिए कि आपको विक एक और विक दो, सिर्फ ये जो है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का जो एक रूल है, सिर्फ ये रूल होता है कि आपको जो है दो विक जो है टच होनी चाहिए, एक और दो, और तीसरी जो है अपने आप टच होके जो है उसको रिस्पेक्ट कर देगी। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर टच हुई, क्या हुआ, चार्ट फिर ऊपर गया और जो है ये बहुत ऊपर तक जा रहा है। चलिए ये देखिए, तो इसी तरीके से ये जो है ट्रेंड लाइंस ड्रॉ होती हैं। जैसे कि ये देखिए, पॉइंट वन ये रहा हमारा और पॉइंट टू ये रहा हमारा, और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया। ये देखिए यहाँ पर जो है मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया, इस ट्रेंड लाइन को, और कंटिन्यू किया। उसके बाद फिर क्या हुआ, दोबारा से मार्केट ने इसको फिर दोबारा यहाँ पर देखिए यहाँ पर रिस्पेक्ट किया ट्रेंड लाइन को, और मार्केट फिर कंटिन्यू हुआ और यहाँ पर जो है आ नहीं पाया। उसके बाद देखते हैं और ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ करके देखते हैं। अभी यहाँ पर देखिए देखिए, हाँ ये देखिए यहाँ पर पॉइंट वन और उसके बाद पॉइंट वन और उसके बाद ये देखिए ये हुआ हमारा पॉइंट टू, और ये देखिए पॉइंट थ्री पे जैसे ही आया, ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने टच किया और इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर गई। इसी तरीके से ये जो है ट्रेंड लाइन्स जो है ड्रॉ होती हैं। अब जो है यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पॉइंट वन उसके बाद पॉइंट टू, ये देखिए पॉइंट वन पॉइंट टू, उसके बाद मार्केट यहाँ पर टच हुई, उसके बाद इसने रिस्पेक्ट किया, लेकिन नीचे से भी जो है ट्रेंड लाइन जा रही है, यहीं से जो है ड्रॉ होनी चालू हुई है। और यहाँ पर जो है ये देखिए अगर, तो इसको भी जो है हम मान सकते हैं, यहाँ पर जो है इसने इसको ब्रेक किया, उसके बाद रिस्पेक्ट किया, फिर ब्रेक किया, फिर दोबारा आ गया, उसके बाद जैसे ही इसने जो है यहाँ पर ब्रेक किया, ये देख रहे होंगे आप, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू हुआ चार्ट। तो ये सिंपल सा तरीका होता है, दो आपको पॉइंट चूज़ करने होते हैं जहाँ पर विक निकल रही हो। विक्स जो है इसमें मानी जाती हैं, इसमें जो काउंट होती हैं वो विक्स काउंट की जाती हैं। जैसे ही जो दो विक्स आपको दिख जाए वहाँ पर जो है आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर दो चार ट्रेंड लाइन्स और हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पॉइंट वन पॉइंट टू, उसके बाद मार्केट टच हुई, फेक ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर, और उसके बाद जो है ट्रेंड ने कंटिन्यू नहीं किया। यहाँ पर आप एक बात देख रहे होंगे, इसको जो है इसलिए कहा जाता है कि जो है मार्केट के रिएक्शन का वेट कीजिए। अगर इसने ब्रेकआउट कर दिया है तो आप वेट कीजिए कि यहाँ पर आने के बाद जो है ये कंटिन्यू हो, उसके बाद ही जो है बाय लीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है फेक ब्रेकआउट्स होते हैं और ये उसी में से एक था। तो और देखते हैं, और दो चार जो है ट्रेंड लाइंस हम देख लेते हैं, अगर हमें दिख जाए कोई तो इसको देखते हैं। दो वीक्स हमें चाहिए होती हैं बस। ये तो बहुत नीचे जा रहा है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, पॉइंट वन और पॉइंट टू, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट आई और यहाँ से जो है मार्केट दोबारा कंटिन्यू हुई। तो इस तरीके से जो है ट्रेंड लाइंस का हम यूज़ करते हैं। ट्रेंड लाइन ब्रेक होने पर जो है हम कंटिन्यू करते हैं, और ब्रेक नहीं होने पे जो है ट्रेंड के साथ खेलते हैं। तो इन सबको जो है हम आने वाली वीडियो में जब देखेंगे सारे लेवल्स को मिक्स करके कि कौन सा जो है परफेक्ट एंट्री पॉइंट बन पा रहा है, तो आपको जो है ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर अब तक आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत अच्छी बात है, और लाइक और शेयर तो नहीं करना है, कसम खा लीजिए। भगवान की खानी है, भगवान की खाइए, दोस्तों की खानी है, दोस्तों की, मम्मी पापा की खानी, जिसकी भी खानी खाइए, लेकिन शेयर नहीं करना, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी का भी इंडिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर भला हो। चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में।